आज हम जाएंगे अंजॉय डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलर प्लेस किवीथू। इस सफर के दौरान आपको जगह जगह कई ब्यूटीफुल स्पॉट्स और व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। उनमें से एक ब्यूटीफुल स्पॉट है लोहित व्यू पॉइंट। दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ लोहित रिवर इन लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। व्हेन वी टॉक अबाउट लोहित रिवर, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन अरुणाचल प्रदेश। वो रिवर का जो ट्रिब्यूटरी से बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, लेकिन नज़दीक जाओगे तो बहुत बड़ा है। उत्तम का प्रगति महा वी आर रिज्यूमिंग आवर जर्नी टुवर्ड्स हायुलियांग अंजॉय डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। वेरी ब्यूटीफुल। लोहित व्यू पॉइंट में हम कुछ देर रुकने के बाद हमने अपना सफर जारी रखा और कुछ ही देर में हम पहुंच गए सलंगम, जहां हमने चाय पी। किचन भैया लोग का वाह बढ़िया था। लेकिन नहीं पहचाना। इसमें तो बूस्ट लाइट। इसके बाद हमने अपना सफर फिर से शुरू किया और हम पहुंचे टिडिंग चेक पोस्ट। यहाँ से शुरू होता है अंजॉय डिस्ट्रिक्ट। टिडिंग से कुछ ही दूरी पर है पाया। यहाँ हमने देखा कि एक स्टॉल में बहुत सारे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखे हुए थे जो ऑन सेल था। तो आगे होगा कि नहीं होगा सर पेट्रोल पंप? नहीं आगे? उसके बाद हम गए हायुलियांग एरिया के सिर्फ एकमात्र फ्यूल स्टेशन जो खुपा में है। हमने स्वर्गीय कालीकपूर मेमोरियल हॉस्पिटल को पार किया और पहुंचे हायुलियांग। हायुलियांग इज वन ऑफ द मेन एंड ओल्डेस्ट टाउन्स ऑफ अंजॉय डिस्ट्रिक्ट। Time at Hayoliang. So we are having lunch. So this bhaiya is serving lunch. Aur ye bachcha, hello. Aiyoh. यहाँ हमने एक छोटे से होटल में खाना खाया। उसके बाद हमने अपना सफर फिर जारी रखा। ठीक है तो ऐसा चंगला जी उधर से और ये जाना थोड़ी देर आगे जाकर रास्ते में हमें कुछ देर रुकना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक्ड था।
जब तक रास्ता साफ होता रहा हमने इधर उधर चक्कर लगाया। इस दौरान हमें एक साफ नदी दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर था, खासकर इस नदी का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर। पे रुका हुआ है, आगे रास्ता ब्लॉक, जैसे भी क्लियर कर रहा है रास्ता का। पानी से बहुत जगह मिल चुका है, रुका हुआ है, पता नहीं हम लोग कब पहुँचेंगे, शायद आज, कभी तो नहीं भी पहुँच सकता है क्योंकि इस तरह का रास्ता होता रहा तो मुश्किल है। अब रास्ता खुल चुका था तो हमने अपना सफर जारी रखा। पूरा पानी आता है, हवा एक ब्रिज से। हम पहुंचे चुकुंती। वैसे इस जगह का असली नाम है चांगविंती, लेकिन ज्यादातर लोग इसे चुकुंती ही कहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट में नाइन देना है ना, नाइन देने से हो जाएगा ना, तब तो ऊपर लगेगा होगा। हम लोग भी यही सपने में है, लेकिन पेट्रोल इस तरह से बेचते हैं किसी, इसका प्राइस कितना है ना लीटर जो कैसे है यहाँ पे 120 हो जाता है ना, तो जाते जाते और इस तरह से मिलते, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल डिपो नहीं है। हवाई में तो होता होगा ना, तो इन केस आपको रास्ता में चलते चलते अगर आपको पेट्रोल या फ्यूल ख़त्म हो जाते हैं तो इस तरह से आप ले सकते हैं। बात हो गया, बात किसका बात, दीदी का, लेकिन गैस बहुत क्यूट है। चुकुंती में हमने चाय पी और किवितु के लिए आगे निकल गए। अबाउट टू बी 5 और किवितु में जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चंगवंती सोने का पहुंचा। अभी हमने चाय पिया और आगे वालों की ओर जाएंगे। नहीं किवितु ने तो पिलाते
रास्ते में हमें कई झरने देखने को मिले। एक जगह हम थोड़ी देर रुककर झरने का नजारे का मजा लिया, साथ ही साथ पास में बह रही लोहित नदी का मनमोहक नजारा का भी मजा लिया। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। अब शाम हो रही थी और हम पहुंचने वाले थे वालोंग। Finally, we have reached Wollong. वालोंग लोहित नदी के तट पर बसा हुआ है और यहाँ से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वालोंग में भारतीय सेना की एक कैंटनमेंट भी है। वालोंग को 1962 में हुए भारत चीन लड़ाई के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के एक छोटे से होटल में हमने चाय पी। वैसे इस सफर के दौरान हमने बहुत चाय पिया। इस होटल की खिड़की से मैंने बाहर झांका तो मुझे दिखाई दिया ALG यानी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड। अब रात हो चुकी थी। वैसे तो हमें किविथू जाना था लेकिन रात होने के कारण हमने डिसाइड किया कि किविथू हम अगले दिन जाएंगे। ऊपर में ना तो अंत में हम पहुंचे वालोंग IB। दिस इज द डाइनिंग हॉल ऑफ इंस्पेक्शन बैंगलोर वालोंग एंड हियर आई एम एंटरिंग द किचन। सो दे मस्ट बी हेल्पर एंड दिस इज ट्रेडिशनल चूल्हा। ओके Wallung Ayubitaju and just came to know about that he is Pradhan from Assam. and he told me that he has been working here for last 18 years. And let's see, and chai was really nice. Tomorrow morning we'll be proceeding towards Kaho and after that we'll be going to Kivitho. Actually this evening I wanted to stay at homestay in Namthi, right? Namthi, na? Namthi. No, Namthi wo, Dong. 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 That Namthi and that Didi told us that no cook was there, so again we came back to Wollong and we're staying at inspection bungalow, and it's very comfortable. Let's see tomorrow what happens, and now we are going to have our food.